31 तारीख में शर्मिन कुमार जाटव जो कि अमरोहा जिले के तरारा गांव के निवासी थे, यूपी पुलिस में 2016 से तैनात थे। इनकी तैनाती बागपत जिले की टीकरी चौकी में थी और वहां के साक्ष्यदर्शी और इनके माँ बाप का आरोप है कि वहां पर जो चौकी प्रभारी था उसने इनके बेटे को सर में 2 गोली मार करके उसकी हत्या करी। इनका आरोप है, वहां के जो मूल निवासी हैं, जो उस गांव के रहने वाले लोग हैं, वो वीडियोस में वो सोशल मीडिया पे चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि जो वहां पे दरोगा है जिसका नाम भगवत सिंह है, नाम ध्यान से सुन ले भाई, भगवत सिंह जो कि बहुत ही गंदी मानसिकता का व्यक्ति था, जातिवादी मानसिकता का व्यक्ति था, जो वहां पे सट्टा कराने का काम करता था, उसकी अगुवाई करने का काम करता था, जो वहां पे दारू चलाने का काम करता था। क्योंकि प्रवीण कुमार जाटव एक लड़का ऐसा था जो न्यायप्रिय व्यक्ति था, जो करप्ट नहीं था, उसने उसको आगाह किया कि तू ये काम करना छोड़ दे वरना मैं तेरी जो है कार्रवाई करा दूंगा ऊपर से। इस चीज से शुभ होकर के उसने उसको सर में 2 गोली मार के उसको हत्या कर दी और पुलिस प्रशासन से किसी प्रकार की कोई सहायता अब तक नहीं मिल पाई है। बकायदा पुलिस प्रशासन इसकी लिपापोती करने में लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन द्वारा वहां के जो क्या बोलते हैं SSP हैं, जो IPS ऑफिसर हैं, वो ये कहते हैं कि उसको पेट में एक गंभीर बीमारी थी, सर में एक गंभीर बीमारी थी, जिसके चलते उसने सर में 2 गोली मार ली। अब बताइए 2 गोली मार ली, कोई व्यक्ति अपने सर में 2 गोली कैसे मार सकता है, ये एक प्रश्न चिन्ह है। एक IPS एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है वो इस प्रकार की बात कर रहा है कि उसके पेट में दिक्कत थी, उसको गंभीर बीमारी थी। अरे आदमी जीने के लिए पता नहीं क्या क्या करता है, वो ये कह रहा है कि उसने अपने सर में 2 गोली मार करके हत्या कर दी। यहाँ तक कि इसके परिवार वालों को, परिवार में अकेला लड़का कमाने वाला था, पूरे गांव में उसका व्यवहार देख लीजिए, पूरा गांव साक्षी है, उसके व्यवहार की तारीफ करता है। आज भी जहाँ पे वो तैनात था पुलिस में होने के बावजूद, मैं मानता हूँ पुलिस वाले किसी को राम रहीम करके नहीं चलते, परंतु वो लड़का ऐसा था कि जहाँ भी जाता था सभी को राम रहीम करके निकलने वाला बच्चा था। इसी करके उसकी लोकप्रियता इतनी थी कि सभी लोग उसको प्यार करते थे गाँव में, वहां भी और जहाँ पे वो तैनात था वहां भी। देखिए सबसे बड़ी बात, परंतु अभी क्या हुआ, उसके माँ बाप को उसकी बॉडी भी सुपुर्द नहीं की गई। माँ बाप जब बॉडी देने के लिए गए तो पोस्टमार्टम भी जो है इनकी बिना मर्जी के खिलाफ कर दिया गया। पोस्टमार्टम पे इनको बुलाया भी नहीं गया। पोस्टमार्टम जब हो चुका था तब ये लोग वहां पहुंच पाए। वहां पहुंचने के बाद इन लोगों को वहां से धक्के मार करके बाहर निकाल दिया गया, भगा दिया गया। उसके बाद जो है बॉडी एक दिन बाद इनके घर पे भिजवाई गई, इन्होंने लेने से मना कर दिया क्योंकि सामने हमारे पोस्टमार्टम नहीं किया गया है। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने कुछ मांगे थी इन लोगों की, वो मांगे लेने के लिए, मांग रखने के लिए वहां पे जो प्रशासन था उसके सामने गए, परंतु प्रशासन द्वारा इन पे लाठी चार्ज करके इनको वहां से भी भगा दिया गया। इनकी FIR तक लॉन्च नहीं की गई। आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, पूरा समाज, पूरा दलित समाज, पूरा बहुजन समाज आज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है उस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए। और हम आपसे अपेक्षा रखते हैं, आपसे आशा करते हैं कि इस परिवार को न्याय दिलाया जाए। पूरे परिवार का जिम्मेदार व्यक्ति था, जिसके कंधों पर 4 बहनों की जिम्मेदारी थी। ये माताजी हैं उनकी, कल से आज 10 दिन होने को आ रहे हैं, 10 दिन से इनकी आंखों से आंसू नहीं सूखे हैं। ये पिताजी हैं उनके, ये बार बार चक्कर खा करके गिर जाते हैं, इनको गंभीर समस्या है। ये भाई है, इकलौता भाई है, ये 4 बहनें हैं उसको, जिसकी जिम्मेदारी उनके सर पे थी, इनकी शादी करानी उसकी जिम्मेदारी थी। मैं एक बात कहना चाहूंगी, हम चाहते हैं हमारी कुछ मांगे हैं उसको लेकर के, इस मामले की CBI जांच हो। उससे पहले इस मामले में 302 में भगवत सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, जो कि प्राथमिकता बनती है। दूसरा, हम लोग चाहते हैं कि मृतक सिपाही प्रवीण कुमार के परिवारजनों को 1 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाए तथा उसके छोटे भाई को किसी उचित विभाग में उच्च पद पर तैनाती दी जाए। तीसरा, प्रवीण कुमार के माता पिता को आजीवन पेंशन दी जाए और बहनों की शादी हेतु सहायता प्रदान की जाए। और जो इस केस में, जो इस दंड में, जो जिस हत्याकांड में संलिप्त है, उन सभी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना करते हुए लोगों की रूहें कांप उठे। मैं आप लोगों से आशा करता हूं, मजिस्ट्रेट साहब, कि
जातिगत साजिश, जातिगत मानसिकता के कारण ये कत्ल हुआ। ठीक है, ये परिवार आप देख लीजिए, इस परिवार की आप कंडीशन देख लीजिए, ये परिवार बहुत ज्यादा दुखी है, ये न्याय की गुहार आप लोगों से लगा रहा है। अगर आप लोग इनको न्याय नहीं दिला सकते तो मुझे नहीं लगता कि इस कानून व्यवस्था का, इस प्रशासन, इस शासन सरकार का कोई औचित्य बनता है। मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार के हुक्मरान से, मैं पूछना चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ से जो मुख्यमंत्री है, तिवारी हत्याकांड में उसने उस परिवार को अपने पास बुला लिया। परिवार ये भी है, ये पुलिस प्रशासन की, शासन की जो है सेवा कर रहा था, ये लोगों की सेवा कर रहा था, प्रवीण कुमार जाटव, उसके परिवार पर आज गाज गिर चुकी है। क्या मुख्यमंत्री साहब इसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे? क्या परिवार से मिलना पसंद करेंगे? वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो जातिवादी मानसिकता के व्यक्ति हैं। वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, अगर वो वास्तविकता में इस चीज पे अमल करते, इस बात को अपनी रखते, तो आज इस परिवार से मिलते, इस परिवार को अपने पास बुलाते, परंतु नहीं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जातिवाद इन लोगों की नसों में भरा हुआ है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? भैया पहले कह रहे थे तो करेगा अगर हमारी ये मांगे, अगर ये मांगे दो दिन के भीतर भीतर नहीं मानी जाती, तो हम मजबूर होकर के हम लोग सड़कों पर उतरना पड़ेगा, और न्याय के लिए जो उचित हो सकता है हम लोग करने को मजबूर हो जाएंगे। इसका पूरा का पूरा जिम्मेदार जो है पुलिस प्रशासन होगा, शासन प्रशासन। ये हल्की बात नहीं है, अगर प्रशासन ये सोच रहा है कि दो चार दिन में ये दब जाएगा, ये दबने वाला नहीं, ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनेगा सर। जब तक न्याय नहीं मिलेगा वो दबने वाला नहीं। देश और प्रदेशों की सरकारों ने 2 अप्रैल का आंदोलन भी देखा है, वो मंदिर समाज ने देखा है।